हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड चिल्ड्रन इन जी के आर टूडेज टॉपिक इज मैथामेटिका सो लेट स्टार्ट द चैप्टर ए पॉलीगन हैव प्रीफिक्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव कैन यू मैच दीज पॉलीगन करेक्टली टू देयर नेम्स पॉलीगन के बच्चों प्रीफिक्स होते हैं डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ साइड्स पे ठीक है अब यहाँ पे आपको कुछ पॉलीगन्स दिए गए हैं आपको करेक्टली उनको उनके नेम के साथ मैच करना है ए क्या है ये है आपका पेंटागन जिसकी फाइव साइड्स होती है उसे हम पेंटागन कहते हैं ठीक है तो आप इसे पेंटागन से मैच करेंगे। सेकंड है हमारा e, हेप्टागन, ठीक है? इसको आप हेप्टागन से मैच करेंगे Now, third. Third है आपका ऑक्टागन ठीक है ऑक्टागन की तो आपको पता है कितनी साइड्स होती है ना उसकी एट साइड्स होती है नाउ फोर्थ फोर्थ आपको दिख रहा है ये क्या है ये है एक हेक्सागन हेक्सागन की बच्चों सिक्स साइड्स होती है ठीक है नाउ फिफ्थ फिफ्थ है हमारा नोनागन ठीक है आप यहाँ को यहाँ पे इसको नोनागन से क्या करेंगे मैच करेंगे सिक्स सिक्स है हमारा डेकागन ठीक है इसके काफी सारी साइड्स होती है मोर देन नाइन साइड्स इसकी होती है ठीक है नाउ बी वच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटर ट्रैंगल सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर ट्रेपिजियम रोमबर्स आइसोसिलस अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं रेगुलर पॉलीगन के तो इसका आंसर है इक्विलेटर ट्राइंगल स्क्वायर एंड रोमबर्स ये चार जो हैं regular polygon है ये आपके रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल्स हैं सी पार्ट देख लेते हैं वच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स आर रेगुलर पॉलीगन ऑप्शन ए अ फिगर विद मैनी साइड्स ऑप्शन बी अ फिगर विद मैनी साइड्स ऑल ऑफ विच आर इक्वल या फिर ऑप्शन सी अ फिगर विद मोर देन टू साइड्स बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपके रेगुलर पॉलीगन को तो इसका आंसर है आपका करेक्ट आंसर अ फिगर विद मैनी साइड्स डी आंसर द फॉलोइंग a regular polygon with 11 sides is called एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 11 साइड्स होती है बच्चों उसे क्या कहा जाता है उसे उसेगन कहा जाता है सेकंड सेकेंड अरेगुलर पॉलीगन विद 12 साइड्स इज कॉल्ड एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके 12 साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम डो डेकागन कहते हैं तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे